जैसा कि आप घूमते घूमते अब हम जा रहे हैं नित्यानंद आश्रम, बाप जी के मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ जितना सुकून बोल सकते हैं उतना ही कम है। वहाँ बस सुकून लेने जाओ। अगर कभी भी आप डिप्रेशन में जाते हो तो हमारे धार में आइए, और एक सुकून की जगह है बाप जी के नाम से, नित्यानंद आश्रम के नाम से। अब वहाँ पर आके बैठिए, आपको इतना सुकून मिलेगा कि इतना सुकून मिलेगा कि आप भी नहीं सोच पाओगे। तो अब हम चलते हैं नित्यानंद आश्रम और आपको वहाँ का व्यू बताते हैं। तो जैसा कि हम आ गए हैं नित्यानंद आश्रम, देख सकते हैं आप व्यू। तो दोस्तों, नित्यानंद मंदिर में जाने के बाद हमने आश्रम के दर्शन किए, आश्रम के अंदर वीडियो बना था मंदिर के अंदर। तो उसके बाद आश्रम के बाहर का नज़ारा कुछ यूँ था। उसके आगे कुछ दूर चलते ही हमको देखने को मिले बहुत ही प्यारे प्यारे मोर पक्षी। मंदिर से बाहर आते ही हमको देखने को मिले ये खूब सारे मोर, और इसमें से एक मोर हमारे पीछे तरफ था, तो हमने उसको धीरे धीरे फॉलो किया। कोशिश करी थी कि इनको डिस्टर्ब ना हो और इनकी वीडियो बन जाए, परंतु उस तरीके से कुछ हो नहीं पाया दोस्तों। पर नज़ारा जो भी था, मतलब नेचर के पास का बहुत अच्छा व्यू लग रहा था देखने में, और सामने से तो क्या ही कहने थे इस नज़ारे के। लोगों को एक मोर पक्षी देखने के लिए कभी कभी बहुत समय लग पाता है, बहुत मुश्किल से दिख पाता है, और हमको यहाँ पर काफ़ी सारे मोर एक साथ दिख गए थे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस वाले मोर को देखा तो मैंने सोचा कि इसके पास जाकर इसके पास से वीडियो बनाता हूँ। तब तक ये थोड़ा चहल कदमी कम कर रहा था, पर जैसे ही हम इसके पास पहुँचे तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा था। और जैसे ही हम इसके पास पहुँचे थे तो उसने थोड़ा अपना रुख बदल के ये वापस उड़ गया। तो अभी हमने कर लिए हैं दर्शन, और स्वामी नित्यानंद जी का आश्रम है ये, यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला। मंदिर के अंदर वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन जितनी भी मिली उतना शूट कर लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं मोर और बंदर, काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तो बंदरों से सावधान रहें, मंदिर के अंदर लिखा था यहाँ पर कभी भी आएँ तो काले मुँह वाले बंदर हैं, मतलब कि लंगूर हैं, तो उनसे थोड़ा सावधानी से रहें। और बाकी मयूर वगैरह मोर वगैरह काफ़ी अच्छे यहाँ देखने को रहे। अंदर बहुत अच्छा वन बना हुआ है, एक बाग बना है छोटा सा, उसके अंदर काफ़ी सारे मयूर हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है ये, काफ़ी देखने लायक है। यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ आप, यहाँ पर आकर मन काफ़ी शांत महसूस करता है हमारा। हम धार के लोग कभी भी कुछ भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी चीज़ की दिक्कत होती है तो यहाँ आकर बैठते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ आकर बाप जी के दर्शन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी प्लेस है। और जहाँ सा यहाँ पे जितना भी दर्शन वगैरह करके जो शांति वाला वातावरण है वो काफ़ी अच्छा रहा। और अगर मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छी पीसफुल जगह है, मेंटल पीस के लिए धार के लोग यहीं आते हैं, ऐसा इनसे हमें जानकारी मिली। और काफ़ी सारे लोग आसपास हैं जो कि अभी ध्यान लगाने में लगे हुए हैं मंदिर के आसपास। और जो मंदिर का वन है, मतलब जो बाग का एरिया है, वहाँ पर मतलब मोर खूब सारे इकट्ठे हैं, काफ़ी सारे पक्षी हैं, कुछ वानर हैं। तो वो चीज़ जो देखने को, प्राकृतिक चीज़ की ताकत होती है ना एक प्रकृति की, वो सारी चीज़ें देखने को मिली, तो वो प्रकृति का बहुत प्यारा एक
अनूठा क्या बोलें समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल पाएगा, मतलब बहुत अच्छा व्यू था। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको और ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी शांत वातावरण है, मोर हैं तो मोरों की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पर और शांति बहुत है वातावरण में। अब इसके आगे चलते हैं हम, यहाँ से निकलते हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए और इसके आगे का जो भी नज़ारा रहेगा वो आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करेंगे। और उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे अब देखते हैं, कुछ एक नई प्लेस दिखाने वाले हैं आपको, अब देखते हैं नई, ठीक है देखते हैं इसके कुछ बाद और कुछ दिखाते हैं आपको, जो भी होगा जब भी जैसा भी हमारा ये दिन बीतेगा आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और उसके बाद हम आप लोगों से सीधे, जब तक ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा, हम आप लोगों को उसी जगह मिलेंगे जहाँ पर हम रहते हैं। ओके उधार के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध माता रानी के मंदिर में, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। क्या भैया जी थक गए क्या? थके तो नहीं, 108 सीढ़ी चढ़ के आए हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद हम घूमते हुए पहुँचे जो धार में, जिनको धार का राजा कहा जाता है, बाबा धारनाथ के मंदिर में। और बाहर बैठे थे ये नंदी जी की प्रतिमा, बहुत ही अच्छी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि धार में ये शिवलिंग जो है ये स्वयं ही प्रकट हुआ है, तो उसका अपना महत्व है। और धार के असली राजा बाबा धारनाथ को ही कहते हैं। तो दोस्तों, बाबा धारेश्वर धारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद, शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद, हमने माता काली का दर्शन किया। जय माँ काली के दर्शन करने के बाद अब हम निकल आए थे। उसके बाद प्रस्थान कर लिया था हमने हमारे घर की ओर, हमारे क्या कहते हैं बाबा के घर की ओर, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और ऐसे ही सब समय बीता, काफ़ी अच्छा लगा। ये धार का जितना जो भी आसपास के मंदिर थे और आसपास का जो भी व्यू या कुछ पॉइंट्स ऑफ लोकेशन थे जहाँ पे हम घूम सकते थे, तो वही सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में आप सब लोगों के साथ शेयर की हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर तो कर ही देना। और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.